जब भी आप अपनी गाड़ी लेकर रेड लाइट पर खड़े होते हैं तो आप उन छोटे बच्चों को जरूर देखते होंगे जो आकर आपसे पैसे मांगने लगते हैं। कुछ लोग डांटकर भगा देते हैं तो कुछ लोग रहम खाकर पैसे दे देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे मांगने के बजाय कुछ न कुछ बेचकर पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे रेड लाइट पर लोगों के से पैसे मांग रहे होते हैं। ऐसे में एक शख्स ने कुछ ऐसा काम किया कि लोगों ने जमकर तारीफ की। लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चे को अपनी ही गाड़ी पर बिठा लिया और उसे समझाया कि ऐसा ना किया करे, बल्कि कुछ बेचकर पैसे की मांग रखे। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि रेड लाइट पर एक बच्चा खड़ा होता है और वहां मौजूद दो शख्स ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उससे पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हो या क्या दिक्कतें होती है। फिर वह बच्चा अपनी परेशानी बताने लगता है। वह उन्हें बताता है, भैया मैं जैसे ही गाड़ी को छूने जाता हूँ तो मारते हैं, मुझे ऐसे मेरे साथ 3 बार हो चुका है। जैसे ही मैंने कहा कि पेन ले लो, भैया तो माँ बहन की गाली देने लगे। इसके बाद कार में बैठे दोनों शख्स हैरान हो गए और पूछा कि क्या तुम्हें माँ बहन की गाली देते हैं। फिर उसने कहा कि हाँ भैया तुम क्या जानो। बच्चे ने बताया कि गाड़ी को ड्राइव करने वाले भैया ने डांटा मुझे, तो तब से मैं मांगता नहीं हूँ। जब गाड़ी से उतर जाते हैं तो तब जब मांगता हूँ। इसके बाद साथ में मौजूद एक शख्स ने कहा कि मुझे तो मानता हो ना तुम। तब वह बच्चा कहता है कि हाँ भैया मैं आपको मानता हूँ। इस दौरान आप बच्चे के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। वह गाड़ी में आराम से बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। उसके चेहरे में हंसी ही सब कुछ बयान कर रही है। इस वीडियो में इंस्टाग्राम पर फनी वीडियो ड्यूट नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है, जिसे 33,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। चलो भैया ये सिखाओ भैया, ये तो मानता है ना कम से कम, ये तो मानता है।